ए, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मारी जेल से छूट गया ना, वो कहाँ है अभी? अरे दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मारी भाई भी वापस कभी नहीं आएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम लोगों के स्वार्थ की वजह से अपन लोगों को जाना पड़ रहा है। नहीं रॉबर्ट, परेशान तो हम लोग भी है ना। ये तो होना ही था ना, और भरोसा करो पुलिस वाले पर। हम कहीं और जाकर धंधा करेंगे, तुम लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी, देख लेना। चल रहे, चलो चलो। जरा देखो इन्हें, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं लोग। क्यों रे डरपोक, अपने मारी को बुला चल। कैसे आएगा बेचारा, वो मुंह दिखाने लायक कहाँ बचा। अबे तूने मारी भाई के साथ धोखा करके ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है, चल निकल ले। ए, ए, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, चल दिखा क्या कर लेगा। हाथ नहीं उठाने का, ओढ़ इसको, बहुत चर्बी चढ़ी है साले को। ए दूर रहे मुझसे। मारी तो तेरी रोज ही धुलाई करता था ना, और तू चुपचाप मार खाता था। चल मार साले को, आज मैं मारूंगा और तू मार खाएगा। अब जाने तू इसे ही तो बुढ़ा है। चल साइड में चल। चल रे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। ये ले, मारी भाई को पता चलेगा ना, सब को उड़ा लेंगे। मारी आया तो खिसक रहा है। इतरा रहा था ना, अब क्या सारी हवा निकल गई तेरी। जा सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अभी इधर ही रहेगा, शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा काट डालूंगा।
है आपका, आइए बैठ जाइए। थर्रा पिएंगे या देसी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं नूडल भाई, आप ही कुछ करो ना। अरे ये रोको। अपन किसी को ढूंढ रहा है। किसको बे? इधर बोल, किससे बात कर रहे? उसका कोई नाम पता है क्या? छोटू चुप रह। उसको इस ढाबे की दही कचौरी बहुत पसंद है। सुना है देसी घी में कचौरी बनाते हो तुम लोग, वही खाने आता है वो। अगर तू मेरे को उसका पता और रेसिपी बताएगा तो अपुन तेरे को नई बंडी दिलाएगा। अभी बताता अपुन। ये ले। ये क्या है? जो भी उसका पता पूछे उसे ये चिट्ठी देने बोला है। किसने? मारी। चल पढ़। बकरी शेर से दूर रहे उसी में भलाई है, जिस बिल से आया ना उसी बिल में घुस जा, कल्टी मार ले। नहीं मारा तो तेरी। अपुन को ठसा रहा है क्यों रे? लल्लू समझेला है। अपुन को नूडल बाल बोलते हैं। 5 तक गिनती करेगा, मैं पता या फोन नंबर नहीं दिया तो ठोक देगा, लेकिन उससे पहले तेरे को डालेंगे मैं। चल बता किधर है वो। अरे बोलना। एक। क्या रे, अपनी मौत की गिनती तू खुद कर रहा है? मैं गिनूंगा। एक, दो, तीन, तीन के बाद 4, और अब मैं तेरा बाप मारी आ गया, बचा ले अपने आप को। चीटिंग अब इसकी बारी। ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं, मैं घुसा डालेगा सीधा। बाल की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, काट डाल। ए, नूडल बाल बोलते हैं, 2 मिनट में काम कर डालेगा। ये भोंगा बंद कर दिया इसका। ये 100 रावण मरे तभी चापुन पैदा हुआ। कंपनी चले। तू भी चले। नूडल बाल।
मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मारी। मारी उसको मत मारो। तो पुलिस वाला है यही सोचकर अपुन अब तलक चुप बैठा था, लेकिन तूने अपुन के कबूतरों को मारा तो अपुन ने भी तेरे को काट डालने की सौगंध खाई और हिसाब चुकता करने के लिए इधर आ गया। मारी मुझे माफ कर दे। मेरी बात तो सुन। रुक जा मारी, रुक जाना, मेरी बात तो सुन। मैंने उस पुलिस वाले को मना किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उन पिंजरों को जलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने आज तक जितने भी गलत काम किए मैं उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अपन तो फरिश्तों पर यकीन नहीं करता तो शैतान पे कैसा करेगा? गवाही देगा? तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है? इसे मारकर मैं यह साबित कर दूंगा कि तूने बदला लेने के लिए इसे जान से मार दिया। ये क्या किया वे साले? मैंने कहा था ना इस पे भरोसा मत करना। चलिए भाई उठिए। खाना खाया क्या तूने? बोलना, गुस्सा हो गई क्या तू? अरे नहीं खाया तो चलना। अबे एक गधे की औलाद, अभी जाने का था तेरे को। पहली बार इसके मुंह से शहद टपक रही थी, तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। अपन का वो मतलब नहीं था? अयो अयो कचरा कर डाला। अबे मनुष्य की छठी औलाद, घर जाके सो जा। तू घर जा। कौन भेजा रहे तेरे को? कौन इतना मोहब्बत कर दिया अपन से? तू गलती मार, अपन ये लोग का जन्नत दिखाता है, निकल। बत्ती जला। छोड़, अब उनको छोड़। हाथ लगाएगा ना तो मार डालेगी। Hey!
जिन लोगों ने इसको छुआ वो इधर ही रुको, बाकी गधे के सिंह की तरह गायब हो जाओ। यही था वो मारी माज, तो तू गया बेटा। तुम लोग अपुन को मार रहे हो? केसरी को पता चलो तो। केसरी नहीं मारने भेजा है, असास्तीन के सांप को कचल डालो। बहुत सही दोस्ती निभाया बेटा तुम लोगों ने। तुझे भी टपकाऊंगा, इतने इंतजार के बाद किसी और के हाथ से कैसे मरेगा तू? तुझे मारने का हक सिर्फ अपुन को है। मारने से पहले तुझे मारने की वजह बताऊंगा। अपुन को जानता है, तूने अपुन की फैमिली को बहुत दुख दिए। जो दर्द तूने अपुन को दिए वही दर्द लौटाऊंगा तुझे। आपुन ने अपनी प्रार्थना में भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि आपुन ही तेरा विकेट गिराए। आज तेरे दोस्त तेरे दुश्मन बन गए ले, तबलीग हो रही है ना। आपुन के पप्पा को मरे 25 साल हो गए ले, उनको मैसेज दे देना कि आपुन मजे में है। खास हो तो हिलता है बेबी। काइको, तेरे को बहुत लगी है रे, तेरे को हॉस्पिटल ले चलो क्या? मारी। ओके, साथ में तू भी मर। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ माई देगा। गोविंद एडवांस दे दे। अरे रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को मल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है। कल तेरे बेटे का हाथ पर तोड़ देगा। सोचता क्या, रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हाँ? क्या बोल रहे तू?
ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। कभी भी किसी का हुलिया देके उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा। फाड़ डालूंगा। क्या बंटा है, हलक में आ गई थी क्या? अपन इस शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। उसी दिन तुझे और तेरे बेटे को मार देना था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। पहले इसके भाई को मारा, फिर तेरी बीवी को टपकाया, और आज तुम दोनों की बारी है। ए, अपन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, प्लास्टर में तो एकदम पिरामिड लगेगा। अगर आप उनके जूते का सोल चाट के तू माफी मांगेगा ना, तो आप उन तेरे को माफ कर सकता है, लेकिन क्या है ना, तेरे अंदर माफी वाला कीड़ा नहीं है, तो चला जा। Yeah.
तेरे घोगले गलत फहमी की वजह से तू अपन का दुश्मन बन गया, लेकिन असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। गलत फहमी की दीवार अगर दिल में बन जाए तो उसको मोहब्बत के बुलडोजर से गिरा डालने का।